ब्रेक के बाद रुक करेंगे जम्मू का, जहां पर जिंदा पकड़े गए आतंकी को लेकर देश में इतना हंगामा मचा हुआ है कि जयपुर बम धमाकों के वांटेड आतंकी के सीरिया में मारे जाने की खबर शोर में दब गई। आतंकी बड़ा साजिद के सीरिया में आईएस की ओर से लड़ते हुए मारे जाने की खबरें आई हैं। हालांकि इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। जयपुर बम धमाकों के वांटेड आतंकी बड़ा साजिद के सीरिया में आईएस की ओर से लड़ते हुए मारे जाने की खबर ने राजस्थान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। राजस्थान एटीएस अब इस बात की पड़ताल में जुटी है कि बम धमाकों में फरार तीन आतंकी भी कहीं आईएस में शामिल तो नहीं हो गए हैं। दरअसल ये सवाल इस जानकारी के सामने आने के बाद उठा है कि आतंकी बड़ा साजिद काफी समय से आईएस के लिए सीरिया में जंग लड़ रहा था। इस बात की भनक देश के सुरक्षा तंत्र को काफी देर बाद लगना एक बड़ी चूक नजर आती है। 2008 में हुए जयपुर बम धमाकों के बाद से राजस्थान एटीएस ने वांटेड 9 आतंकियों में से 5 को अन्य राज्यों से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था, लेकिन फरार 4 आतंकियों के बारे में कोई सुराग भी नहीं लगा पाई। बड़ा साजिद उन्हीं में से एक था। हालांकि अब बड़ा साजिद के मारे जाने की खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेष 3 आतंकी असलम, आरिफ और सज्जाद के बारे में सुरक्षा एजेंसियों के पास क्या कोई इनपुट है। हालांकि कैमरे के सामने राजस्थान के एटीएस अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा तीनों आतंकियों के आईएस के नेटवर्क में शामिल होने की बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। बड़ा साजिद के मारे जाने की खबर के बाद अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस आतंकी को देश की सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हो वो सारे सिस्टम को धत्ता बताकर देश से बाहर गया कैसे। बड़ा साजिद के देश से बाहर जाने के पीछे किस संगठन का हाथ रहा है। गृह विभाग इस बात को लेकर भी मंथन कर रहा है कि सीरिया में बड़ा साजिद के मारे जाने की खबर को लेकर किस तरह से और जानकारी मिल सकती है। इसे लेकर अब गृह विभाग के अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं। राजस्थान पुलिस और एटीएस को इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि जयपुर बम धमाकों में फरार 3 अन्य आतंकियों की तलाश के ऑपरेशन को नए सिरे से शुरू किया जाए। अगर जरूरत हो तो इसके लिए अलग से एक टीम का गठन कर दिया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बड़ा साजिद के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर ये खबर सही है तो निश्चित तौर पर ये घटना देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सबक है। सुशांत पारीक, ईटीवी न्यूज, जयपुर। रुक करेंगे अगली खबर का।